हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। सो क्वेश्चन नंबर 4 साढ़े गोल है एक्सरसाइज 1.1 इंटीजर्स चैप्टर। तो मूल पता करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू। सो 30 माइनस बार माइनस 21। सो देखो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो तो बार भी सत्ता होवे, ए दी एब्सोल्यूट वैल्यू ए माइनस ए दी एब्सोल्यूट वैल्यू भी ए होगी। मतलब ए के असी जो भी साइन लगा है उसनु नजरअंदाज कर देना है, तो जो संख्या है उसनू असी धनात्मक ही लिखना है। ठीक है, जिदा देखो माइनस ए लिखा से असी ए लिख दिता, ए लिखा से असी एज इट इज ए लिखता धनात्मक। ठीक है जी, हुण उही पैटर्न असी इत्थे अपनावांगे। 30 है माइनस बार्स दे विच की लिखा है माइनस 21। सो एब्सोल्यूट वैल्यू की होएगी 21। सो आंसर आ जाएगा 9। इतने बार्स के माइनस 25 है, एबसोल्यूट वैल्यू की होगी 25। माइनस निशान असी देखना ही नहीं है इस लगाया। ठीक है जी, 25 तो माइनस इस तरीके इतने माइनस 18 है बार्स के, सो इसकी एबसोल्यूट वैल्यू होगी 18। सो 25 माइनस 18 इज 7। इतने रहने जी 6 माइनस, हुण जो बार दे विच माइनस 4 है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की होएगी 4। सो 6 माइनस 4 इज 2। फोर्थ पार्ट इज माइनस 125, दिस इज इन बार, जो बार विच है तो इसका मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जी है वह 125 होएगी। माइनस साइन असी नाल नहीं लगाना है। प्लस 110 की एब्सोल्यूट वैल्यू 110 ही होएगी। So, इसका आंसर आ जाएगा 235 एडिशन तो बाद, राइट। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 4 हैज बीन कंप्लीटेड। फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के नाल। टिल देन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।